मुरारीलाल गोयल, संस्थापक अध्यक्ष सेवा आगरा। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर पूरे देश के अंदर सभी जगह माँ जगदम्बे की पूजा अर्चना हो रही है और सभी भक्त माँ जगदम्बे की पूजा अर्चना कर रहे हैं कि उनके जीवन में खुशहाली हो, धन धान्य हो और परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। इसी के लिए सेवा आगरा सभी शहरवासियों को और देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता है। सिंह चौहान, डायरेक्टर जेसी कैरियर पॉइंट सदर बाजार आगरा। मैं सभी देशवासियों को और शहरवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। समय हॉस्पिटल में दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जोड़ प्रत्यारोपण, फ्रैक्चर एवं हड्डी रोग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हिस्टेक्टोमी, रसौली, अपेंडिक्स, प्रोस्टेट पित्त की थैली, हर्निया जैसी अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज होते हैं दूरबीन विधि द्वारा। 24 घंटे एक्सरे की सुविधा एवं अन्य सुविधाओं से लैस समय हॉस्पिटल, गिरिराज पेट्रोल पंप के पास रामबाग आगरा। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार के नेतृत्व में समाजवादी कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार व उसके मंत्रियों के झूठे वादों के विरोध में गुरुवार को हाथीघाट पर पानी के इंतजार में बैठी यमुना नदी में कागज के जहाज चलाए गए। इस मौके पर पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे और कार्यक्रम की जानकारी दी। देखिए, विश्व जल दिवस है आज, यमुना मैया की हालत देखिए कितनी अच्छी है, कितना पानी है। केंद्र सरकार ने वादा किया था चुनाव के वक्त, नितिन गडकरी जी बहुत बड़े मंत्री हैं सरकार में, उन्होंने वादा किया था कि यहाँ पर यमुना मैया में इतना पानी होगा कि यहाँ पर पानी के जहाज चलेंगे। आज देखिए क्या स्थिति है, रेत में जहाज चलाने को मजबूर है समाजवादी पार्टी महानगर आगरा की ओर से। आज इसीलिए हम लोग सांकेतिक रूप से ये जहाज लेके आए हैं और यहाँ पर चलाना चाहते हैं। केंद्र सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए आप लोग तो पानी में जहाज नहीं चला पाए, लेकिन जो रेत है यहाँ पर उसमें आज हम लोग सांकेतिक रूप से ये जहाज चलाकर यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार को कुछ समृद्धि आए और कुछ शहर के लिए पानी उपलब्ध हो सके। देखिए जिस तरीके से नितिन गडकरी और सिंचाई मंत्री बयान देते चले आ रहे हैं चार साल की सरकार में कि यहाँ पर हम पानी के जहाज चलाएंगे। आज विश्व जल दिवस भी है, उसी को लेकर हम आज ये लोग समाजवादी लोग यहाँ पर रेत में पानी तो है नहीं, रेत में हम कागज के जहाज बना के चलाने का काम इनको विरोध करने आए हैं, दिखाने आए हैं कि तुमने तो नहीं चलाए। समाजवादी लोग रेत में जहाज चलाने का काम करेंगे, उसके अलावा और कोई चारा नहीं। जिस तरीके से ये बाबा जी के ठिल्लू की तरह बयान देकर जनता को बेवकूफ बनाने के काम कर रहे हैं, एक तरफ ये लोग हैं जो झूठ बोल के सरकार में आए हैं, एक तरफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव हैं कि जिन्होंने जो कहा लैपटॉप बांटने का वादा किया लैपटॉप बांटा, एक्सप्रेसवे बनाने का वादा किया एक्सप्रेसवे बनाया, बेरोजगारी भत्ता दिया, विद्या पेंशन दिया, मकान दिए गरीबों के लिए। आपको बता दें कि 18 अगस्त 2016 को जीआईसी ग्राउंड पर नितिन गडकरी के द्वारा आगरा आगमन पर वादा किया गया था कि उनके द्वारा दिल्ली से आगरा तक स्टेशन बनाकर वाटर ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देते हुए पानी के जहाज चलाए जाएंगे, जिसको आज तक पूरा नहीं किया गया। जल दिवस के अवसर पर सरकार को उसके झूठे वादों को याद दिलाते हुए समाजवादी कार्यकर्ताओं ने कागज के जहाज यमुना में चलाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। अर्थ न्यूज के लिए अधिराज सिंह की रिपोर्ट।